हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। तो आज आपके सामने वायुमंडलीय दाब के कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, इसमें दो तीन एक्सपेरिमेंट मैं करना चाह रहा हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से वायुमंडलीय दाब कार्य करता है। आप लोगों को एहसास नहीं होता है क्योंकि हम जब से जन्म लिए हैं तब से ही उतना दाब हमारे शरीर पर पड़ रहा है। तो रोज रोज, जैसे मान लीजिए कि किसी के गले में गैया हो, चराने जाते हो, एक डैना पहना दो, पहले एक दो दिन उसको थोड़ा अड़बड़ लगेगा, उसके बाद वो उसको पहने पहने घूमते रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो वायुमंडलीय दाब हम लोग हमेशा से अपने ऊपर झेल रहे हैं, इसलिए हमको उसका दबाव महसूस नहीं होता है। तो समझ लो, जो भी हमारे आसपास वायुमंडल है वो प्रत्येक वस्तु पर क्या डालता है? दाब डालता है। क्या डालता है? दाब। उस दाब को करने के लिए अभी हमारे सामने देखो, यहां पर प्लेट में हमने ले लिया है पानी और इसमें मिला दिया है नील, ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। और यहां पर देखिए खाली बोतल है, बिल्कुल भी खाली। और वायुमंडलीय दाब कैसे जो है काम करता है पानी पर भी, मैं इसमें कैंडल जलाऊंगा और कैंडल जला के रख दूंगा और फिर कुछ समय बाद देखना क्या होता है, क्या होगा आप लोग खुद देख के चलिए। मैं बताऊं, इससे अच्छा आप लोग देखते चलो और फिर मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। सीधी है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये खाली बोतल है ना, इसके अंदर भी हवा भरी होगी ना, होगी होगी, जैसे कमरे के अंदर हवा भरी है, मोमबत्ती जल रही है। ये बोतल काम नहीं कर सकती क्योंकि इसमें पता क्या था? तेल नहीं था, थिनर था। वो थिनर ज्वलनशील होता है, आग पाके जलने लगा था बोतल। मुझे दूसरी चलिए, अब इस बोतल को हम ऐसे सेट करते हैं कि कितना पानी हो गया इसमें। खड़ी हो जाओ मोमबत्ती। चलो वो नहीं खड़ी हो रही, लेकिन आप कुछ देख रहे हो क्या हो रहा है? भरा था ना, ऊपर क्यों आ रहा? सारा पानी आ गया इसके अंदर, वो निकल आएगा जब हम उसको हटाएंगे तो निकल आएगा, लेकिन क्यों आया इसको समझ लो यहीं पर। दरअसल जब ये मोमबत्ती जलती हुई इसके अंदर गई तो इसने जो भी इसके अंदर हवा थी, ऑक्सीजन थी, उसको क्या कर दिया? जलाने में यूज कर लिया। वो अंदर की जो हवा थी वो क्या हो गई? कम हो गई। उसका प्रेशर, दबाव जो है वो कम हो गया, लेकिन जो बाहर का हमारे जो वायुमंडल का दबाव था वो बाहर वाले पानी पर उतना ही लगता रहा। तो अंदर का दबाव जो है कम हो गया और बाहर का हो गया ज्यादा। ज्यादा वाले ने दबाव डाला, वो अंदर जाके ऊपर घुस गया। अब अगर मैं भी इसको छोड़ूंगा, सारा देखो पूरी प्लेट खाली हो गई है, नजदीक से दिखाओ पूरी प्लेट खाली। अभी और होता है पूरा भर जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी इसके अंदर और वैक्यूम बना हुआ है और जहां आसपास जाएगा वो ले लेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है पता लग गया? बोतल के अंदर जो भी हवा थी वो यूज हो गई, जो भी ऑक्सीजन थी वो किसमें यूज हो गई? मोमबत्ती को जलाने में। तो अंदर का जो है वायु दाब हो गया कम, अंदर हवा की मात्रा हो गई कम, अंदर जो है हवा की मात्रा हो गई कम। जब हवा की मात्रा कम हो गई तो उसका दबाव भी हो गया कम, लेकिन जो बाहर ये पानी भरा था इस पर वायुमंडलीय दाब ज्यादा था। तो ज्यादा दबाव और अंदर कम दबाव, तो कहीं भी अगर
कोई चीज मूव करेगी, जैसे मान लो कि कोई पीछे से आपको धकेले और आगे से हम धकेले, तो आप किस तरफ जाओगे? जिधर से ज्यादा दबाव लगेगा उस तरफ से, उस तरफ को घूम के चले जाओगे जिधर कम दबाव होगा। तो वही हाल ये हुआ कि इस पर जो है दबाव जो है बाहर वाला दबाव ज्यादा हो गया, तो उसने दबाव दिया कस के और अंदर जो है पानी जो अंदर था हवा उसका दबाव कम हो गया था, तो ज्यादा दबाव से कम दबाव की तरफ वो द्रव चढ़ता हुआ चला गया। अब इसको अभी देखो, हम अगर ये तिरछा करेंगे तो सारा पानी नीचे आएगा। इसमें क्यों आएगा? क्योंकि जब तिरछा करेंगे तो जो भी हवा बाहर है वो बोतल के अंदर घुसना चाहती है। क्यों घुसना चाहती है? क्योंकि प्रत्येक जगह पर वायुमंडलीय दबाव एक समान होना चाहिए। उसी समानता को बनाने के लिए जो बाहर हवा है वो अभी भी घुसना इसके अंदर चाह रही है, कह रही है अंदर हवा कम है इसके अंदर घुसेंगे, इसके अंदर। तो जरा समय अगर इसको तिरछा करूंगा बोतल को तो हवा धड़धड़ा के इसके अंदर घुसेगी, और घुसेगी तो बाहर का दाब और अंदर बोतल के अंदर का दाब दोनों हो जाएंगे बराबर, तो सारा पानी नीचे आ जाएगा। देखो अभी करते हैं ऐसा। देखो भड़बड़ भड़बड़ करके निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? ये जो भड़बड़ाहट की आवाज थी वो कहां से आई? क्योंकि हवा इसके अंदर तेजी से घुसने लगी और पानी जो है दोनों एक साथ, हवा भी घुस रही है और पानी भी बाहर निकल रहा है। तो ये तो हो गया पहला एक्सपेरिमेंट।